गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वाले वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक के डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसके फंक्शंस पढ़े थे। वहां तक हमने ख़त्म करने के बाद आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है उसमें जा करके सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले अगले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। इसके अलावा इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स, तो जल्दी से इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे आज सेंट्रल बैंक। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक होता है वो जो आने वाले यानी कि जितने भी देश के अंदर जितने भी बैंक है उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको बताता है कि आपको कैसे फंक्शन करना है। तो वो सारा काम कौन करता है? वो करता है सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे अगर इसकी हम एक डेफिनेशन पढ़े जो आपको एग्जाम में लिखनी है, तो वो है कि सेंट्रल बैंक इज एन अफेक्ट्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। नाउ इसमें ये है कि वो कंट्रोल करता है, वो ऑपरेट करता है, यानी कि उनको बताता है कि किस तरीके से फंक्शन करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, आपको कैसे डिपॉजिट लेना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्या लॉकर फैसिलिटी देनी है, कैसे एक्सचेंज वगैरह करना है। रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट करता है द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब आपको कमेंट बॉक्स में आज मुझे आंसर बताना है, कल का आंसर मैं चेक करूंगा कि उन्होंने दिया है कि उन्होंने नहीं। नाउ आज का आपको आंसर देना है कि हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है। ठीक है, इसका मैं कई बार नाम ले चुका हूँ बट फिर भी आपको यहाँ पे मुझे नाम बताना है। और मुझे एक और बात बता दूँ मैं कि शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है, आपको पूरा बिग नाम बताना है, उसका पूरा बड़ा नाम क्या है। ठीक, हो सकता है कि अब हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, अब यहीं से आपको पता चल गया होगा कि वो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है ना, तो ये सारी चीज़ें तो है ही, इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस हैं जो सेंट्रल बैंक करता है एक देश के अंदर। कौन कौन से फंक्शन है? पहला मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेंट्रल बैंक करता है, जिस वजह से हम हर एक सेंट्रल बैंक को जानते हैं, वो है करेंसी अथॉरिटी। नाउ करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? करेंसी अथॉरिटी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक के पास ये सोल अथॉरिटी होती है कि वो देश में होने वाले हर एक रुपए को जो है बनाता है, यानी वो उसे प्रिंट करता है। ठीक है, तो करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो सेंट्रल बैंक है वो सोल अथॉरिटी है इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। और इंडिया में आरबीआई जो है वो सोल अथॉरिटी है एक्सेप्ट फॉर कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। इन दोनों को कौन करता है? इन दोनों को करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जहाँ पे ये कॉइन्स प्रिंट होते हैं उनको बोला जाता है टकसाल। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि ये हिंदी का वर्ड है टकसाल। ठीक है, जहाँ पे कॉइन्स जो है वो बनते हैं। तो करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि ये एक सोल अथॉरिटी है इश्यू ऑफ करेंसी, और हर देश में जो उसका सेंट्रल बैंक होता है वो उसका करेंसी इश्यू का अथॉरिटी उसके पास ही होता है। नाउ बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी, यानी सेंट्रल बैंक को एकमात्र अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी यानी कि एकमात्र अथॉरिटी बनाने का फ़ायदा क्या है? क्यों मतलब हम दो अथॉरिटी नहीं बना देते, क्यों हम तीन अथॉरिटी नहीं बना देते? जैसे अगर हम बात करें आज पेट्रोल के लिए कितनी कंपनियाँ हैं, नॉर्मली तीन कंपनियाँ हैं, एक है IOCL, दूसरी है HP और तीसरी है ONGC तो गैस की है, भारत पेट्रोलियम BP। तो ये जब तीन कंपनियां हैं जो पेट्रोल का जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, पेट्रोल पंप बनाती है, ठीक है, इनका पेट्रोल पंप है, तो ऐसे में नोटों के लिए भी तीन चार अथॉरिटी बनाऊँ? क्यों एक ही अथॉरिटी बना रखी है? उसके क्या फ़ायदे हैं ऐसे जिसकी वजह से नोट इशूइंग अथॉरिटी केवल एक है इंडिया में? पहला आता है यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, यूनिफॉर्मिटी आती है नोट सर्कुलेशन के अंदर। नाउ सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या कॉन्सेप्ट है, इसे हम नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे, ये हमारे इसी चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनने वाला है मनी सप्लाई। तो ये जो अगर हम एक ही है तो उसके पास कंप्लीट पावर आती है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने की। नाउ मनी सप्लाई का मतलब क्या हो गया? जिस तरीके से सप्लाई यानी कि क्या, किसी चीज़ की सप्लाई। नाउ अब सप्लाई अगर हम जैसे गुड्स वगैरह की बात करते हैं वैसे ही मनी सप्लाई भी होती है। अब मनी सप्लाई को कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस करने की पावर किसके पास होती है? वो होती है उस सेंट्रल बैंक के पास। उसके अलावा गवर्नमेंट को भी ये पावर देता है, एनेबल करता है, यानी गवर्नमेंट भी इस चीज़ में हो जाती है कि वो एक ही सेंट्रल बैंक है तो उसको कंप्लीट कंट्रोल और सुपरवाइज कर सके कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे काम करो, क्योंकि देखिए कंसल्टेशन वैसे भी गवर्नमेंट से ही लेनी पड़ेगी।
क्योंकि गवर्नमेंट ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पब्लिक सर्विसेज। तो ऐसे में गवर्नमेंट से ही आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट भी इस तरीके से क्या होता है, एक ही अथॉरिटी है तो उसको भी एक ही अथॉरिटी को बताना रहता है कि आप इस तरीके से कंट्रोल करिए काम। उसके बाद में पब्लिक फेथ भी रहता है, क्योंकि देखिए पब्लिक फेथ कैसे रहता है, मान लीजिए एक ही अथॉरिटी है तो वो क्या है, अगर कोई भी नोट गलत भी टाइप हो रहा है, गलत भी प्रिंट हो रहा है, तो उसे बोला जा सकता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका पूरा जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को रोकने की। अब अगर मान लीजिए तीन है, ठीक है, 1, 2, 3, तो ऐसे में इन तीन में से किसकी ये जिम्मेदारी बनेगी, नकली नोटों के, ये कहेगा कि मेरे नोट नहीं है और ये कहेगा कि मेरे नोट नहीं है, तो ऐसे में पब्लिक फेथ रहता है करेंसी के ऊपर अगर एक ही अथॉरिटी है। उसके अलावा मार्केट में भी स्टेबलाइजेशन रहता है वैल्यूएशन के लिए, महंगाई के लिए, क्योंकि एक ही अथॉरिटी है तो वो कम्प्लीटली कंट्रोल करके रखती है। नाउ अब बात करते हैं सेकेंड फंक्शन की, जो है बैंकर्स बैंक। नाउ बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से आप हमारा रिलेशन बैंकों के साथ है, यानी कि आम जनता का जो रिलेशन बैंकों के साथ है, वही सेम रिलेशन बैंक का आरबीआई के साथ भी होता है, सेंट्रल बैंक के साथ भी होता है। मतलब क्या, हम पैसा कहाँ जमा कराते हैं, बैंकों में, लोन कहाँ से लेते हैं, बैंकों से। सेम उसी तरीके से बैंक अपना पैसा जो भी एक्सेस मनी है वो कहाँ पार्क करते हैं, आरबीआई में, और ज़रूरत है तो वो कहाँ से लोन लेते हैं, आरबीआई से, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही डेफिनेशन है कि जो बैंक है उनका भी सेम रिलेशनशिप होता है उसी तरीके से जैसे कि जनरल पब्लिक का होता है। इसके अलावा वो बैंकों को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का भी काम करता है। नाउ थ्री काम जो है आरबीआई करता है बैंकों को रेगुलेट करने, क्योंकि देखिए बैंकों के प्रति उत्तरदायी है आरबीआई। अगर आज बैंक कोई भी फेल होता है, कुछ भी होता है, तो आरबीआई उत्तरदायी है उन बैंकों के, आम जनता के प्रति, कि वो बैंक फेल कैसे हो गए, क्योंकि आपने लाइसेंस दिया था, आप उसे रेगुलेट सुपरवाइज कर रहे थे। तो ऐसे में आरबीआई भी कुछ डिसीजंस लेता है, कुछ काम करता है, और वो काम क्या क्या है, सबसे पहला आता है कैश रिजर्व। और कैश रिजर्व क्या है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। कैश रिजर्व क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये बैंक है हमारा, ठीक है, और ये बैंक आम जनता से कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट हो गई। नाउ ये जो डिपॉजिट है, अब अगर ऐसे में ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता जाएगा और इसके पास काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा, और ये आगे इसे लोन में दे देगा। नाउ अब यहाँ पे आता है आरबीआई। आरबीआई ये कहता है कि आप पूरा पैसा यहाँ से उठा करके लोन में नहीं दे सकते, तो फिर सर क्या करना है, कुछ पैसा आपको मेरे पास जमा कराना पड़ेगा। कितना पैसा, ये अभी लगभग 3.5% है, 3.5-3.75 के करीब होगा। तो ये पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे जमा कराना पड़ेगा, और ये कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम बोल सकते हैं CRR, ठीक है। यानी क्या हो गया कि बैंकों को कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी, यानी सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है आरबीआई के पास, और यही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। इसी तरीके से बैंकों को क्या होता है, मान लीजिए कि एक पैसा अगर वो कम्प्लीटली, चलिए इसको थोड़ा सा लेटर ऑन समझते हैं, ठीक है। नाउ कैश रिजर्व आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब क्या हो गया। अब देखिए आरबीआई कहीं से लोन नहीं लेता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लास्ट आदमी है जो लोन देता है, यानी इसके बाद कहीं से लोन नहीं मिलने वाला, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। उसके बाद आता है क्लियरिंग हाउस। तो जब भी अगर मान लीजिए दो बैंक है, तो दो बैंक अगर एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इनके बीच में क्लियरिंग जो काम करता है, यानी कि इन दोनों का निपटारा जो है ट्रांजेक्शन का, वो काम किया जाता है बाय द आरबीआई। देखिए आरबीआई खुद से कुछ काम नहीं करता है, उसने मतलब खुद से करता है ऑफकोर्स, लेकिन उसने सबके लिए अपनी अपनी एक अथॉरिटी बना रखी है, ठीक है। जैसे जो क्लियरिंग है उनके लिए, जहाँ तक मुझे पता है, एन नेशनल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड, NCHL, ऐसा कुछ है, वो उन्होंने बना रखा है। मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको बता दूँगा कि ये एक अथॉरिटी है। या चलिए आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी अथॉरिटी है, ठीक है, जो नेशनल क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन ऐसा कुछ है उसका नाम, ठीक है। तो ये एक अथॉरिटी है जो कि क्लियरिंग का काम करती है आरबीआई के लिए, 100% होल्डिंग आरबीआई गवर्नमेंट, ठीक। और उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट फंक्शन, गवर्नमेंट का बैंक। नाउ गवर्नमेंट के बैंक का मतलब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट है, अब उसे भी कुछ गवर्नमेंट को भी बैंक की जरूरत पड़ेगी, तो ये बैंकिंग फंक्शन सीधा काम करता है बाय सेंट्रल बैंक। मतलब क्या, जिस तरीके से आप अपना पैसा कहाँ जमा कराते हो, बैंक में, उसी तरीके से गवर्नमेंट कहाँ पैसा जमा कराती है, सेंट्रल बैंक में, यानी कि दैट्स इट आरबीआई। नाउ अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को कभी लोन भी चाहिए, तो भी वो आरबीआई के पास जाकर के वो ले लेती है लोन। तो इसीलिए जो बैंक है, सॉरी आरबीआई जो है या सेंट्रल बैंक जो है, वो एज ए बैंकर काम करता है, एजेंट भी करता है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी काम करता है। मैंने आपको बताया था कि वो गवर्नमेंट जो है वो कई बार आरबीआई से कंसल्टेशन लेती है, जैसे अभी जब पेंडेमिक चल रहा है,
कोरोना महामारी जब चल रही है तब भी कई बार गवर्नमेंट जो है आरबीआई से मॉनेटरी पॉलिसीज पे कई बार डिस्कशन करती है कि किस तरीके से इंडिया में महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि अभी पेंडेमिक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई ना बढ़े। इसके अलावा किस तरीके से हम इंडिया को और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ये भी आप हमें कंसल्ट करो। क्योंकि देखिए आरबीआई में मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मोस्टली क्या सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं, आईएएस होते हैं या फिर जो फाइनेंस सॉरी इकोनॉमिक्स में जो काफ़ी अच्छी अच्छी डिग्रीज लिए होते हैं, है ना, मास्टर्स की पीएचडी की, वो लोग आरबीआई के अंदर काम करते हैं तो उनको काफ़ी नॉलेज रहता है। इस वजह से वो गवर्नमेंट को कंसल्ट करते हैं कई सारे मैटर्स के ऊपर। नाउ बैंक के रूप में आरबीआई क्या क्या फंक्शन करता है, सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन करता है, सबसे पहले वो गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करता है। दूसरा, अब चूंकि अकाउंट मेंटेन किया है तो रिसिप्ट और पेमेंट भी वो करेगा। उसके अलावा कई बार अगर गवर्नमेंट को किसी को रेमिटेंस करना है, ट्रांसफर करना है, तो वो काम करता है। इसके अलावा कई सारे अदर जो बैंकिंग ऑपरेशंस है वो करते हैं। अगर गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है तो वो भी काम करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को लोन और एडवांसेस देने का काम भी आरबीआई या सेंट्रल बैंक करता है। एज एजेंट क्या करता है, एज एजेंट वो काम करता है पब्लिक डेट को मैनेज करने का, और एज ए क्लियरिंग हाउस क्या हो जाता है कई बार, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस की जगह आएगा फाइनेंशियल एडवाइजर। और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में वो करता है इकोनॉमिक, फाइनेंस और मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि आप किस तरीके से काम करिए, ताकि देखिए गवर्नमेंट के ऊपर है वो माने या ना माने, एडवाइस देने का काम आरबीआई का है। गवर्नमेंट अगर देखिए इनका फंक्शन जैसे सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नमेंट है, ठीक, अब गवर्नमेंट अगर कभी सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि हमें एडवाइस दो, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को एडवाइस देगा। नाउ गवर्नमेंट के पास है उसे माने ना माने, जहाँ तक मैं सही हूँ, ठीक है, इसे एक बार कंफर्म करना। उसी तरीके से आरबीआई के पास क्या होता है, इस तरीके आरबीआई है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है हमें इस मैटर पे एडवाइस दो फाइनेंस की, आरबीआई मना नहीं करेगा, एडवाइस देगा, काम ही है उसका। अब गवर्नमेंट के ऊपर है उसे माने ना माने, गवर्नमेंट अपनी सोल अथॉरिटी है। अब आता है, तीन फंक्शन हो गए, नाउ एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो छोटा सा है, और वो फंक्शन है कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है उन सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रूट होता है आरबीआई के थ्रू। किस तरीके से रूट होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए आप है, ये आपका पर्सन हो गए और ये बैंक हो गया और ये हो गया आरबीआई, ठीक है, और ये हो गया हमारा फॉरेन का सेंट्रल बैंक, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब अगर आपको, और ये यूएसए है, ठीक है, अब अगर आपको यूएसए का डॉलर चाहिए, आप जाओगे बैंक के पास जो कि अथोराइज बाय द आरबीआई, आप उन्हें दोगे मान लीजिए ₹70, ठीक है, और आपको मिलेगा $1। अब बैंक जाएंगे आरबीआई के पास, क्योंकि बैंकों के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट यूएसए से डॉलर मंगा सके, बैंक जाएंगे आरबीआई के पास और ये इन्हें देंगे ₹69 और ले लेंगे $1। मैं ये डमी डाटा ले रहा हूँ, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई अब क्या करेगा, सेंट्रल बैंक यानी कि वहाँ के यूएसए के सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और वहाँ जा करके उसको बोलेगा कि हमें आपका $1 चाहिए, और वो उन्हें जो भी लगभग 68.5 और जो भी इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रही होगी वो उन्हें देगा और $1 ले आएगा। इस तरीके से ये चलता है। तो आरबीआई ही कम्प्लीटली अथॉरिटी होता है सेंट्रल बैंक को, फॉरेन एक्सचेंज को। अब अगर कोई भी एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज है तो वो पूरा आरबीआई के पास रहेगा। इंडिया में किसी भी पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज होल्ड करने की पावर नहीं है एक्सेप्ट आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पूरा फॉरेन एक्सचेंज संभालता है, पूरी फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग जो है वो आरबीआई के थ्रू ही होती है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आता है हमारा मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना, मनी सप्लाई को जो है उसको इन्फ्लुएंस करना, उसे रोकना, बढ़ाना, घटाना, ये सारी चीज़ें। इसको समझने के लिए हमें एक और सब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है मनी मल्टीप्लायर एंड मनी क्रिएशन, और ये टॉपिक हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, गुड डे, गुड बाय।